वाइल्ड मैरीगोल्ड यानी जंगली गेंदा एक ऐसा पौधा जिसके बहुउपयोगी तेल की सुगंध से लेकर खाद्य उद्योग तक में बड़ी मांग है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने अब जंगली गेंदे को हिमाचल के किसानों की आय का स्रोत बना दिया है। भारत के अरोमा मिशन के तहत IHBT के वैज्ञानिकों ने जंगली गेंदे की खेती और उससे सगंध तेल निकालने की तकनीक विकसित की, पहाड़ के किसानों को सामूहिक खेती के लिए प्रेरित किया, बेहतर प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराए, साथ ही सगंध तेल आसवन प्लांट लगाए ताकि किसान फसल से लेकर उत्पादन तक का सीधा फायदा उठा सके। सारे किसानों को जोड़ा, सही वैरायटी दी उनको और साथ साथ प्रोसेसिंग प्लांट भी लगवाए तेल निकालने के, और किसानों को सिखाया भी, तो किसानों की कंप्लीट हैंड होल्डिंग करी कि बिजाई कैसे की जाती है, जुताई कैसे की जाती है, कटाई कैसे की जाती है और उसमें से तेल का आसवन कैसे किया जाता है। सारी प्रक्रियाएं हमने किसानों को समझाई, किसानों ने सीखी, सारा तेल निकाला और किसानों ने सारा तेल मार्केट में बेचा। और आज मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस समय हिमाचल नंबर 1 स्टेट है खासकर जंगली गेंदे के तेल उत्पादन में। जंगली गेंदे का बोटेनिकल नाम तजिस्त मिनुटा है। आमतौर पर समशीतोष्ण क्षेत्र में उगने वाली इसकी कई प्रजातियों में तजिस्त मिनुटा एल की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। इस पूरे पौधे के अर्क में संभावित जैव सक्रिय और चिकित्सीय गुण होते हैं और अन्य प्रजातियों के मुकाबले इसमें सबसे ज्यादा तेल निकलता है। इसकी खेती के लिए भी बहुत ज्यादा रखरखाव की जरूरत नहीं होती। हमारे संस्थान द्वारा इसकी दो किस्में विकसित की हैं, एक है हिम गोल्ड और एक है हिम स्वर्णिमा। हिम गोल्ड में 0.3% तक सुगंधित तेल पाया जाता है और जो हिम स्वर्णिमा है उसमें 0.35% तक सुगंधित तेल पाया जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण तत्व है वो ओसिमिन, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें ओसिमिन काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी डिमांड रहती है। हिमाचल के कई हिस्सों में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई जंगली गेंदे की खेती ने यहाँ के किसानों की स्थिति बदलनी शुरू कर दी है। कम लागत में मिली फसल से वो लगाए गए प्लांट में सामूहिक रूप से सुगंधित तेल निकाल रहे हैं जिसका अन्य फसलों के मुकाबले उन्हें ज्यादा दाम मिल रहा है। इस एरिया की जो मुख्यतः फसल थी वो मक्की थी, लेकिन मक्की में यहाँ बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं था क्योंकि आज के समय में जंगली जानवरों का आतंक बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण जो है वो हमें किसानों को जो था वो 10% फसल का भी मूल्य हमें प्राप्त नहीं होता था। मैं 6 साल से CSIR IHBT पालमपुर से जुड़ा और वहाँ की तकनीक यहाँ तक पहुँचाई, तो 1 बीघा में जो है लगभग जो है हमारा अच्छा हो तो 10 और 15 क्विंटल आता है सर, और ना भी हो तो 5 क्विंटल तो आता ही है इसमें। तो 5 क्विंटल में देखिए हम 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसान से लेते हैं यहाँ, तो उसका 15×5=7,500 हो गया। और मक्की जो थी वो हमारी 500 से लेकर 1,000 रुपये 1 बीघा पे यहाँ हमें मिलती थी, वो भी हमें चौकीदार की तरह हमें यहाँ खड़ा होना पड़ता था तब। IHBT के इस नवाचार और तकनीक को देखने के लिए CSIR के महानिदेशक ने भी सगंध तेल आसवन इकाई का दौरा किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ साथ किसानों के साथ बातचीत की और देश को सुगंध उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाली IHBT की इस पहल की सराहना की। IHBT का असली काम तो ये था जब शुरू हुआ था कि हमारे हिमालयों में जो जैव विविधता है उसको नापना, उसको संभाल के रखना, यह IHBT का मुख्य काम था। लेकिन साथ ही में जब उन्होंने देखना शुरू किया कि यहाँ पे ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसको लोगों को सीधा फ़ायदा हो, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जैसे आपने हिंग के बारे में सोचा होगा, सुना होगा कि हिंग का भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उसी तरह सुगंधी तेल का भी IHBT ने बहुत अच्छा काम किया है। और हम लोगों को बहुत गर्व है कि हमारी जो प्रयोगशाला इस कामों में जुटी हुई है वो उसका फ़ायदा सीधा आम जनता तक पहुँच रहा हो, किसानों तक पहुँच रहा हो।
हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर लंबे समय से अरोमा मिशन पर काम कर रहा है। संस्थान ने पहाड़ी क्षेत्र में कई तरह के सगंध पौधों और फूलों की प्रजातियों को उगाने में उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे आमतौर पर कृषि उत्पादन में पिछड़े इन इलाकों में बड़ा परिवर्तन आया है। ये तकनीक और पद्धतियां महत्वपूर्ण उत्पादन कर देश में आयात का बोझ कम करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रही हैं।